26 फरवरी 2019 की सुबह पाकिस्तान की हवाई सीमा में घुसकर भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। उसके बाद से ही डर के मारे घबराया पाकिस्तान इस कदर डर गया कि उसने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। पाकिस्तान को इस बात का हमेशा डर लगता रहा कि कहीं फिर से भारतीय वायुसेना के जहाज उसकी सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक तो नहीं कर देंगे। बालाकोट एयर स्ट्राइक को हुए आज करीब 78 दिन बीत चुके हैं और इस बीच पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत के साथ सीमा पर चल रही तनातनी के बीच पाकिस्तान भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस फिर से खोलने के बारे में पाकिस्तान सरकार 15 मई को समीक्षा करेगी। पाकिस्तान के नागर विमानन मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। हालांकि वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि भारत में चुनाव संपन्न होने तक पाकिस्तान अपना एयर स्पेस भारतीय विमानों के लिए नहीं खोलने वाला है। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी के प्रवक्ता मुस्तफा बेग ने बताया कि 15 मई को होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में पाकिस्तान तय करेगा कि भारतीय विमानों के लिए वायुसीमा खोली जाए या नहीं। ये निर्णय भारतीय विमानों के पाकिस्तान में उतरने और ऊपर से गुजरने के लिए होगा। इस बैठक में पाकिस्तान के सभी प्रमुख विभागों के मंत्री भाग लेंगे। बता दें कि 26 फरवरी को बालाकोट स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के अड्डे पर भारतीय वायुसेना के हवाई हमले के बाद पाकिस्तान ने अपनी वायुसीमा अन्य देशों के विमानों के लिए पूरी तरह बंद कर दी थी। 27 मार्च को पाकिस्तान ने अन्य देशों के विमानों के लिए अपना आकाश खोल दिया था, लेकिन नई दिल्ली, बैंकॉक और कुआलालंपुर से आने वाले विमानों के लिए रोक बरकरार रही। एयर स्पेस बंद होने का फैसला दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए लागू कर रखा है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों की वायु सीमाएं एक दूसरे के लिए 26 फरवरी से बंद हैं। इसकी वजह से दोनों देशों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है और यात्रियों को कठिनाइयां भुगतनी पड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।